अस्सलाम वालेकुम। मज़मून खेले करे सीखे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक तस्वीर। तस्वीर बनाना। तस्वीर बनाने में सबसे पहले हमें खत निगारी करना सीखना होगा, जिसमें खड़ी लकीर, आड़ी लकीर, तिरछी लकीर और मुसलस और मुरब्बे के ज़रिए हम तस्वीरें बनाएंगे। जैसे कि लकीरों को जोड़कर शक्लें बनती हैं और उन्हीं शक्लों को जोड़ेंगे तो मुसलस बनेगा, मुरब्बा बनेगा और फिर मुसलस और मुरब्बा, दायरा और ऐसी शक्लों को मिलाकर हम एक तस्वीर बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि तस्वीर कैसे बनती है। तो हमने एक पेपर लिया है और एक रंगीन पेन लिया है, जिसके ज़रिए हम देखेंगे कि तस्वीर कैसे बनती है। सबसे पहले तो हमें खत निगारी में हम खड़ी लाइन बनाते हैं। बच्चे अगर खड़ी लाइन बनाना सीख जाए तो शक्लें बनाना उनके लिए आसान हो जाती है। फिर उसके बाद हम बनाएंगे आड़ी लाइन। आड़ी लकीरें बनाने के बाद हम बनाएंगे तिरछी लकीरें। इस तरीके से सबसे पहले खत निगारी में बच्चे लकीरें बनाना सीखते हैं। अब हम दो तिरछी लकीरें लेते हैं तो एक मुसलस वाली शक्ल बन जाती है। अगर हम दो खड़ी लकीरें और दो आड़ी लकीरें लेते हैं तो क्या बनता है, एक मुरब्बा बनता है। और इसी तरीके से इसमें ना तो कोई आड़ी और ना कोई खड़ी लकीर होती है, ये गोल दायरा होता है। अब इन मुसलस, दायरा और मुरब्बे की मदद से हम शक्ल तस्वीर बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले हमने क्या बनाया है, एक बड़ा सा मुरब्बा बनाया है। अब इसके ऊपर हम एक मुसलस बनाएंगे। ये हमने क्या बनाया है, एक मुसलस बनाया है। इसमें हम एक गोल दायरा बनाएंगे, इसमें हम एक और मुरब्बा जो थोड़ा बड़ा है वो बनाएंगे। इस तरीके से ये क्या हो गई, एक घर की तस्वीर। इसी तरीके से हम बहुत सारे मुरब्बे बनाकर हम बस की तस्वीर बना सकते हैं। ये हमने आधा दायरा लिया, फिर हमने आधा दायरा लिया और इसमें हम क्या लगाएंगे, ये हमने बना दिया पूरा दायरा, यानी ये क्या बन गए, ये इसके टायर बन गए। इस तरीके से ये बच्चों क्या बन गई, एक बस बन गई, है ना। तो मुरब्बा, मुसलस, दायरा, इन शक्लों को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, एक तस्वीर बना सकते हैं। तो बच्चों आप भी घर पे बनाइए और अपने असातिज़ा को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।